यूपी के बिजनौर में जाट नेता पर हमले और उसके बेटे की हत्या को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हत्या को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कह रही हैं कि बिजनौर में पहले मुसलमानों की हत्या हुई, अब जाट युवक की हत्या कर दी गई। समाजवादी पार्टी के शासन में पूरे प्रदेश में असुरक्षा का माहौल है, बकौल मायावती। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि डीजीपी धर्म और जाति देखकर कार्रवाई करते हैं। बिजनौर में बहुत ध्यान और कायदे से सुनिए, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको बता दें कि बिजनौर में आपसी रंजिश को लेकर जाट नेता और बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संजय चौधरी और उनके बेटे पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें संजय चौधरी के बेटे विशाल चौधरी की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में नेताओं के इस तरह के सांप्रदायिक बयान हालात को और खराब कर सकते हैं। बिजनौर जिले में कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष संजय चौधरी, उनके ऊपर कुछ मुस्लिम गुंडों ने हमला किया था और उनके छोटे बालक 15 वर्ष की उम्र का था विशाल चौधरी, उसकी मौत भी हो गई। उसमें प्रदेश में पूरी तरह से अराजकता का वातावरण है। पश्चिम क्षेत्र में हमारे जो बूथ अध्यक्ष संजय चौधरी थे, वो बड़े जाट नेताओं में से थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में थे। उनके बेटे की हत्या से भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रोश जताती है और यूपी की अखिलेश सरकार लोगों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। दूसरा, डीजीपी भी उत्तर प्रदेश के ऐसे बैठे हुए हैं जो अपराधियों के खिलाफ अपराधियों जैसा व्यवहार करने की जगह वह देखते हैं कि उसकी जाति और उसका धर्म क्या है, इसके आधार पर कार्रवाई करते। इसके कारण से और भी स्थिति खराब होती जा रही है। आप मामला समझिए और बहुत गंभीरता से इस मामले को समझिए। शुक्रवार की रात को बिजनौर में जाट नेता और बीजेपी के बूथ अध्यक्ष संजय चौधरी और उनके बेटे पर हमला हुआ था। हमला उस वक्त हुआ जब संजय चौधरी अपने बेटे विशाल के साथ खेत पर सिंचाई के लिए गए हुए थे। हमले में संजय चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए और बेटे विशाल चौधरी की मौत हो गई। हमले का आरोप पैदा गांव के प्रधान और समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल और उसके साथियों पर लगा हुआ है।